हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो मैंने निकाला है आज विश्रम और कहीं जा रहा हूँ और उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। थोड़ा पार्किंग में ट्रिकीनेस है, लेट्स सी कैसे निकलता है। वैसे तो विश्रम थोड़ी छोटी है बट है बहुत लंबी एंड इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, तो कहीं से भी घुस जाती है, निकल जाती है। कभी कभी टाइम ऐसे निकल जाता है पता नहीं चलता, एंड वही हुआ है विश्रम के साथ में। इसको ऑलमोस्ट 1 महीने होने आ गए एंड कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। एंड 1 महीना हो जाता है मतलब सर्विस का टाइम आ जाता है। सो 2-3 दिन पहले सुजुकी का भी फ़ोन आया था फॉर सर्विस रिमाइंडर, एंड उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए पूछा, तो आई थॉट लेट्स डू इट क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री हूँ बीइंग अ सैटरडे एंड मोस्टली घर पे ही हूँ, तो फिर मैंने आज का अपॉइंटमेंट ले लिया। हालांकि और एक हफ्ता बचा है 1 महीना कंप्लीट करने को, बट मेरे वीकेंड्स मोस्टली पैक होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो करा लेता हूँ। एनीवेज 1000 किलोमीटर्स तो हो नहीं पाएगा, 1 महीने पहले हो जाना है, तो इसलिए फिर मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। एंड अभी जा रहा हूँ किदन सुजुकी विच इज इन थाने टू गेट दिस बेबी सर्विस्ड। अभी काफ़ी साल से मुझे एक बिग बाइक ओन करने का एक्सपीरियंस है, एंड ऑलवेज व्हेन यू गो फॉर अ सर्विस यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट, बट आज बहुत साल के बाद मुझे खुशी हो रही है कि मैं सर्विस के लिए बहुत कम पैसे देने वाला हूँ। सिंस दिस इज़ नॉट अ बिग बाइक एंड इट इज़ अ रेगुलर इंडियन मेड बाइक, तो इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत कम होने वाला है। सो उसी का हिसाब किताब आपको देंगे आज, आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि कितना कॉस्ट पड़ा मुझे ओवरऑल, एंड आई एम श्योर इट विल बी नॉट मोर देन 2000 or 2500। अभी 1 महीने के एक्सपीरियंस में आई कैन टेल यू दैट दिस बाइक इज़ रियली ग्रेट फॉर सिटी, really great for touring, and you can do mild off-roading. Okay, don't buy it if you want to like do hardcore off-roading, that I know that everyone knows about it. So normal touring or city rides ke liye bahut achhi hai bike and it will be pocket friendly. So far mujhe average bhi hai abhi 35 mil chuka hai, which is really fantastic, and I'm hoping ki aage jaake 40 bhi average de de. अपॉइंटमेंट एक्चुअली मुझे 10:30 का दिया था, बट मैं घर से ही अभी 11 बजे निकला हूँ, तो बस वहाँ पे जाने के लिए अराउंड 15-20 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर चाहिए। इट इज़ नॉट बैड। इस बाइक पे सारे एक्सेसरीज मैंने अभी लगा दिए हैं, सिर्फ एक लाइट बचा है। फॉर आई डू सम लॉन्ग राइड्स आई नीड टू इंस्टॉल द लाइट्स ऑन दिस बाइक, बिकॉज इसका जो हेडलाइट का रिस्पॉन्स है बहुत बहुत बुरा है। तो आज के सर्विस में मोस्टली बाइक का सिर्फ ऑयल चेंज होने वाला है, एंड शायद ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एंड चेन क्लीनिंग एंड ओवरऑल बाइक क्लीनिंग होगी, नॉर्मल ब्रेक पैड्स चेक होंगे। फर्स्ट सर्विस में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, एंड जितना इस बाइक को आप रेव करोगे उतना एक ग्रंटी साउंड आता है बाइक से, तो अच्छा भी लगता है। गियर शिफ्ट मुझे थोड़े से नॉची लगे थे, लग रहे हैं मतलब अभी, बट मैंने जब टेस्ट राइड किया था बाइक को तभी ये बहुत अच्छा था, तो आई एम होपिंग कि सर्विस करने के बाद ये थोड़ा चेंज हो जाए। नथिंग टू वरी अबाउट, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू बाय दिस बाइक सो आपको एक आइडिया आ जाएगा ओवरऑल इस वीडियो को देखते ही। एक्चुअली मैं रास्ता थोड़ा खो गया हूँ फिर से अभी। चलो हम पहुंच तो गए, अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ इनसे एंड देन मैं आपको अपडेट्स देता हूँ। तो गाइस बाइक अभी सर्विस के लिए दी है एंड अभी चालू है काम। एडिशनली मैंने एक टैंक पैड और एक फ्यूल पैड लिया हुआ है जिसका अलग कॉस्ट मुझे लगेगा, एंड मैंने हैंडल बार राइजर्स जो लाए थे अमेजोन से ऑर्डर किया था वो भी इंस्टॉल कर दिया है, तो मे बी उसका कोई लेबर चार्ज होगा। लेट्स सी कितना बिल आता है, एंड बिल आते ही आपको मैं सारे डिटेल्स बता दूंगा।
ऑलराइट गाइस, सो अपना सर्विसिंग हो चुका है। हाँ चलो, अभी मैं निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ घर, और बाइक पे चलते चलते आपको कुछ अपडेट्स। गाइस, सबसे पहला अपडेट जो मैं देना चाहता हूँ इस रिगार्डिंग दी हैंडल बार राइजर्स जो मैंने इंस्टॉल करवाया है, एंड उससे जो राइडिंग पोजीशन है और बेटर हो गया। इनफैक्ट मुझे बड़ा पसंद आ रहा है अभी, मतलब नेचुरली जो मेरे हाथ है वो एकदम स्ट्रेट रह रहे हैं, पहले थोड़ा सा नीचे रखना पड़ता था, विच इज़ गुड, मतलब अच्छा राइडिंग पोजीशन हो गया। और भी आई होप सुजुकी ने पहले से ऐसा किया होता। सो ये जो हैंडल बार राइजर्स है ये मैंने नेक्सस गियर्स के लिए, मुझे 1000 रुपये का पड़ा था, एंड आई थिंक इट इज़ टोटली वर्थ इट। एंड रही सर्विस की बात, ओवरऑल द सर्विस वॉज डन रियली वेल, और बहुत जल्दी मुझे बाइक मिल गई। मैं कुछ 11:30 आया था और 2 बजे मैं अभी घर जा रहा हूँ। सो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एंड चेन ल्यूब एंड बाकी चेक्स हुए हैं, ब्रेक चेक्स हुए हैं, एंड वॉशिंग हुआ है। ऑल राइट, एंड अगर मैं जस्ट सर्विसिंग की अगर बात करूं तो जो ऑयल चेंज हुआ है दैट कॉस्टेड मी अराउंड 700 रुपीज़ फॉर 1.2 लीटर ऑयल, जो कि है एक्सटार का, एंड उसके साथ ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है विच इज़ लाइक 50 रुपीज़, विस्टोम में 500 रुपये हुआ करता था। ऑयल फिल्टर और ऑयल हुआ 750 रुपये, दैट इज़ 750। चेन लूप का और चेन क्लीनिंग का 250 रुपीज़ लिया जाता है, जो मुझे लगता है कि दैट इज़ दैट चेन लूप एंड क्लीनिंग कॉस्ट जो कि मटेरियल का है। सो ओवरऑल 1000 रुपीज़ होता है कॉस्ट फर्स्ट सर्विस का, और टैक्स पकड़ोगे और 18% टैक्स, तो लगभग समझो कि 1200 के आसपास आपका फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आएगा। सो एडिशनली मैंने ये टैंक का फ्यूल पैड को इंस्टॉल किया हुआ है। एक्चुअली दिस वॉज मेंट फॉर अ बिग बाइक, बट क्योंकि ये फ्यूल कैप सारे बाइक्स पे सेम है तो ये इसमें फिट हो गया, तो मैंने लगवा लिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू। सो दिस इज़ अप्रॉक्स 2000 रुपीज़। उसके बाद मैंने ये टैंक पैड इंस्टॉल करवाया है जो कि विस्टोम 250SX का ही है। इट वेंट वेल विद द बाइक, तो मैंने उसको करवा दिया। साथ में ये टैंक के जो साइड प्रोटेक्टर्स आते हैं अलग से, ये मैंने कुछ इंस्टॉल करा दिया। सो जो टैंक पैड है विच इज़ अराउंड 400 रुपीज़, एंड जो साइड के जो पैड्स हैं दैट इज़ लाइक 800 रुपीज़। और साथ ही साथ में मैंने जो व्हील का रिम होता है उसका एक स्टिकर आता है, वो मैंने इंस्टॉल कराया है, दैट वाज अराउंड 600 रुपीज़। तो लगभग मैंने 4000 रुपये का जो है एक्सेसरीज एडिशनल लिए हैं, एंड उसको लगाने का जो लेबर है दैट वाज सेपरेट विच वाज अराउंड 600 रुपीज़। सो ओवरऑल मैंने 5800 रुपीज़ भरे हैं, जिसमें अप्रॉक्स 1200 वाज द एक्चुअल सर्विस कॉस्ट विच इज़ द फर्स्ट सर्विस। बाकी का जो पैसा है दैट इज़ द एक्स्ट्रा दैट आई इंस्टॉल्ड। बस यही था, और बाइक तो अभी सर्विस हो गई है, एंड आई कैन रेव इट द वे आई वॉन्ट। हैंडल बार राइजर्स को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल था मैं, बट लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया। सो बिल का जो सारे डिटेल्स है मैं स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर दूंगा, सो यू कैन लुक एट इट, और आपको कुछ भी क्वेश्चंस है यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई यू। बाकी कल मैं किसी राइड पे जा सकता हूँ, मे बी ऑन विस्टोम और ऑन स्वीट ट्रिपल, अभी वो डिसाइड करूँगा जगह के ऊपर। अगर जगह है थोड़ा एडवेंचरस होगा तो विस्टोम, अदरवाइज अपना स्ट्रीट ट्रिपल। बस फाइनली घर पहुंच गया, अब जा रहा हूँ, एंड इस बाइक के बारे में और भी अपडेट्स हैं जो आपको बहुत जल्द मिलेंगे। सो गुड बाय।